Hello guys, this is Anikara from Junior Study. Don't mug up, try to build up rational and logical study. मैं बात करूँ तो बेसिक साइंस यहाँ पे आपको रेलवे के RRB ALP CBT 2 का जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको पार्ट ए में है जो इसका मेरिट जोड़ा जाएगा उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना रखा है जी, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बना रखा है, इलेक्ट्रीशियन का प्लेलिस्ट बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट बना रखा है। आप वहाँ पे जाएं और उस वीडियो को देखें। उसके अलावा टेस्ट स्टार्ट हो गया है जो MCQ कराया जाता है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह भी कराता हूं, तो आप वो सब भी देख सकते हैं। और ये जो सीरीज है इसमें आपको आए हुए जो भी हमारे एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन बनते हैं उसे यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि इससे आइडिया लग सकता है कि किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जी। तो बात की जाए तो आज हमारा जो 2 दिसंबर का सेकंड जो शिफ्ट था उसका SI का पेपर हुआ था, उसमें हम लोग करंट अफेयर कुछ डिस्कस करेंगे जी। तो उस करंट अफेयर है तो ये हरियाणा स्पेशल है, तो हरियाणा स्पेशल की बात कर रहे हैं तो हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं जी। तो हरियाणा स्पेशल में हरियाणा के CM कौन है तो मनोहर लाल खट्टर है। वहाँ के गवर्नर कौन है तो सत्यदेव नारायण आर्य है। कौन है जी? सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ का कैपिटल कौन सा है तो चंडीगढ़ है। रूलिंग पार्टी कौन है जी तो BJP के साथ गठबंधन में है। यहाँ पे लोकसभा की सीट कितने है तो 10 है, राज्यसभा की सीट 5 है, और बात किया जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीट है। और यहीं पे आपको नेशनल डेयरी रिसर्च यूनिवर्सिटी जो करनाल में बना है, पहला आपको इंडिया का रिसर्च डेयरी रिसर्च यूनिवर्सिटी बना है करनाल में जी। फिर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आपको यहीं से लॉन्च किया गया था, आपको हरियाणा से लॉन्च किया गया था, इस जो ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है, ये आपको 2015 में मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए जी बात की जाए तो इतना सारा हमने जाना इसके बारे में, हरियाणा के बारे में। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हरियाणा से उस दिन आए थे। बात की जाए तो देखिए आप उसमें देखिए थोड़ा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पुस्तक I Do What I Do के कौन है जी राइटर तो रघुराम राजन। कौन है जी तो रघुराम राजन। आपको भी पता है रघुराम राजन क्या थे जी, हमारे RBI के इससे पहले क्या थे, गवर्नर थे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो भी आंसर ठीक मारा गया है वो गलत भी हो सकता है, तो प्लीज उस पर ध्यान ना दे, क्योंकि देखिए ये लड़का जो भी भेजा है तो उसके द्वारा आंसर लिखा गया है तो सोनू के द्वारा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कहें जी, आगे बढ़ते जाएंगे, जो हमारा करेक्ट होगा हम उसको बोलते जाएंगे जी और टिक मारते जाएंगे। तो I Do What I Do रघुराम राजन ने लिखा है जी, वो जिस समय रघुराम राजन को काम करने दिया था। इब्राहिम लोधी डच द्वारा इब्राहिम लोधी को हराने में हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति की गई थी। देखिए बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर हुमायूं के बीच जो हुआ था तो उस समय उसने क्या बनाया था तो काबुली बाग बनाया था जो अपना विजय सिंबल के तौर पर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्य है, ये कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो भी रिजल्ट है, जो भी न्याय है, जो भी रूल बन जाता है उसके द्वारा जजमेंट दिया हुआ है, तो 21 अनुच्छेद के अनुसार बनता है। तो वही आपको अनुच्छेद क्या है जी, ये 141 है, जिसके अनुसार क्या होता है कि सारे नियम क्या होते हैं आपको एक बाध्य हो जाता है मानने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट है वो क्या होता है लोअर कोर्ट में अप्लीकेबल हो जाता है जी। तो अरावली के पहाड़िया का उद्गम नहीं है, देखिए अब इसमें से कौन सा ऐसा नदी है जो अरावली से नहीं है जी, तो देखिए चिनाब कहाँ से है, चिनाब कहाँ से आता है, चिनाब आपको उत्तर से आता है, जो कहाँ से हो सकता है तो हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर साइड से ही आता है, तो हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली उद्गम होता है, तो आपको चिनाब इसमें अलग दिख रहा है, बाकी सब क्या है जी अरावली से है। साहिबा नदी, बेचड़ नदी और दोहन नदी, ये सब आपको अरावली से है। बात की जाए तो अरावली के पहाड़िया क्या है जी, तो सबसे पुरानी क्या है जी अरावली के पहाड़िया है, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में क्या है अरावली पहाड़ी, और नए यंग फोल्ड माउंटेन में क्या है जी तो आपको हिमालय है। तो यहाँ से देख सकते हैं तो चेनाब नदी आंसर हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आज नॉइज आ रहा होगा तो प्लीज आप लोग उसके साथ कोऑपरेट कीजिएगा ठीक है ना, तो क्योंकि देखिए बगल में थोड़ा सा लग रहा है प्रोग्राम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रहे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ बात कीजिए कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में है जी। HCV का मतलब क्या होता है, देखिए HCV का मतलब होता है हेवी कमर्शियल व्हीकल। आजकल जो है कमर्शियल व्हीकल के लिए देखिए अलग अलग रूल्स आ रहे हैं जी, तो H से मतलब हेवी है, C से मतलब कमर्शियल है, V से मतलब व्हीकल है जी ठीक है।
जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसी लाल सरकार द्वारा दूसरी भाषा घोषित हुई, क्योंकि उस समय जब हुआ था तो बंसी लाल ने कहा कि पंजाबी को छोड़कर कोई भी सेकंड लैंग्वेज में चुन सकते हैं जी, तो उन्होंने क्या किया ये तमिल को चूज किया जी। तो देखिए उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था उन लोगों में जो भी होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया तमिल को चूज किया। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जी, बहुत सारा इसके अंदर क्या है जी, रानीखेत क्या है जी, तो रानीखेत जो होता है आपको वायरस की वजह से होता है, तो ये क्या है विषाणु जनित रोग है जी, कौन सा है विषाणु द्वारा, ये कैटल के द्वारा फैलता है, ज़्यादा उतना खतरनाक नहीं है लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या होता है खांसी जुकाम हो जाता है जी, तो इसलिए ये सब रानीखेत क्या है जी कैटल में होता है। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व होता है देखिए, तो प्राथमिक अगर पोषक तत्व की बात की जाए तो एनपीके क्या होता है जी, एनपीके आप याद रखिएगा, तो एन से नाइट्रोजन होता है, पी से फॉस्फोरस होता है, और के से क्या होता है जी पोटेशियम होता है। ये क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमको क्या चाहिए बेसिक चाहिए, तो इसमें सल्फर सोडियम कोबाल्ट और पोटेशियम है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, तो सल्फर नहीं चाहिए कोबाल्ट नहीं चाहिए सोडियम नहीं चाहिए, तो कौन सा है पोटेशियम चाहिए, तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है जी हमारा, तो पोटेशियम आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं, हरियाणा में देखिए दो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से एक सुल्तानपुर है दूसरा कौन सा है, तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है भी। देखिए कोई भी स्टेट का हो ऐसे भी नेशनल पार्क और उद्यान वगैरह आप लोग याद रखिएगा हर स्टेट का जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, फातिमा बीबी थी पहली महिला बनी जो केरल से स्टेट थे जी, केरल से थी। हाल में ही निम्नलिखित में किस राज्य के बिना सरकार सूचित किए गए राज्य के जांच और ऑपरेशन करने के लिए सीबीआई के माना कर दिया गया, किस स्टेट द्वारा, तो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल द्वारा माना कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल भी माना किया याद रखिएगा। मॉन्स्टेक ने लिखा था निरंतर अनुभव में हमें दर्शाता है कि शक्ति संपन्न प्रत्येक व्यक्ति अब उसका दुरुपयोग करता है तब तक अपना प्राधिकार चलाता है, तभी से उसे सीमित नहीं किया जाए। देखिए वही बोला कि ई बुक का है तो उसी में लिखा गया था, तो कौन सा था, द रिपब्लिक ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा गया था। हाल में ही बैल गर्भपात में निम्नलिखित में किस देश से जनमत संग्रह हुआ, देखिए अबोल्यूशन जो है अच्छा है या बुरा है इसके लिए क्या किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या हुआ जी रेफरेंडम कराया, तो वहाँ के पब्लिक ने क्या किया जी उसको अलाउ किया, अबोल्यूशन के पक्ष में वोटिंग आया तो उसने क्या किया अबोल्यूशन को वहाँ पे जारी कर दिया, ये आयरलैंड है जी। स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ पहले 90 बने थे, उसके बाद 9 किया गया था, फिर से एक और इस साल प्रपोज कर दिया गया, तो कितने हो गए टोटल 100 सिटी हो गया जी। 100 शिलोंग है जो मेघालय की राजधानी है। हाल में भारत का 3D तारामंडल किस नगर में उद्घाटित किया था, स्वामी विवेकानंद जो आपको मैंगलोर में तारामंडल किया गया है जी। विश्व विरासत में कालका शिमला रेलवे 1998 में बनी थी जी। बात की जाए विश्व देखिए रेलवे स्टेशन जो है जो विरासत मिलते हैं क्या है, देखिए कुछ कुछ है आपको रेल जो है ऊटी से कैम्बटोर वाले रूट में है, जो नीलगिरी से होते हुए रूट में है, उसमें जी क्या है जी वो भी आपको विश्व धरोहर के रूप में विरासत के रूप में है। उसके बाद कालका शिमला नाम भी है उस स्टेट रेलवे का। फिर से जो आपको जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश में उस वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे देखिए जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट एरियाज हैं वहाँ पर रेलवे चलते हैं उसको विश्व विरासत स्थल में दिया गया। तो कब बना था जी कालका वाला 1998 में। 487 में प्रथम बौद्ध सम्मति राजगीर में हुई थी, 487 ईसा पूर्व में हुई थी जी बौद्ध सम्मति, क्योंकि बौद्ध के कितने हुए 4 हुए हैं, तो पहला कहाँ हुआ था तो आपको राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पटना में, चौथा कश्मीर में, तो वहीं बौद्ध सम्मति राजगीर हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था जी महाकश्यप ने किया था। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग किया गया था। बात चौथा बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कनिष्क ने कराया था, ये बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जी, तो आप लोग पूरा याद रखिएगा जरूरी है। कुछ दिन पहले भी आपको बिहार में बौद्ध संगति के कुछ हुआ है जी, चौथा सम्मेलन हुआ है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आज क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे में देख लीजिए, भारतीय रेल जल्द ही एक विशेष ट्रेन पंज तख्त एक्सप्रेस शुरू करेगी जो धर्म से जुड़े 5 पवित्र तख्त को कवर करेगी, ये कौन से धर्म से करेगी जी, इसका आप बताइएगा। चलिए और बात कीजिए क्वेश्चन और सब क्वेश्चन कहते हुए आज के लिए बस इतना ही करते हैं बंद। उसके बाद आप लोग अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर बेल आइकन सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन प्लीज दे। मैं कभी भी वीडियो का प्रीमियम करता हूं तो सेटिंग रिमाइंडर ऑन कर दे ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले,
और ये नए चैनल हैं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है नोटिफिकेशन मिलने भी। थैंक यू सो मच, एंजॉय एंजॉय योर लाइफ।